नमस्कार दोस्तों दोस्तों व्हाट्सएप में एक ऐसा सेटिंग है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पर किए गए किसी भी मैसेज को एक ही क्लिक में ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी पुरानी सेटिंग के बारे में आज क्यों बता रहा हूं। तो दोस्तों इस सेटिंग में एक छोटा सा अपडेट किया गया है। पहले आप केवल टेक्स्ट मैसेज को ही फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब आप किसी भी फोटो को, किसी भी वीडियो को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी यूआरएल को, यानी कि किसी भी मैसेज को आप एक ही क्लिक में सर्च कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने आज से एक महीने पहले, दो महीने पहले, एक साल पहले व्हाट्सएप पर किसी को अपना बैंक डिटेल दिया था, तो आज आप एक ही क्लिक में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने उस मैसेज को किसको किया था, तो भी आप उस मैसेज को सर्च कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नया अपडेट कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी वीडियो को, किसी भी यूआरएल को एक ही क्लिक में आप सर्च कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बचेगा। अब दोस्तों अगर आपको पता रहेगा कि आपने उस मैसेज को किसको किया है, तो भी आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत सारे लोगों के साथ चैट किया है और आपको नहीं पता है कि उस मैसेज को आपने किसको किया था, तो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको पता है कि उस मैसेज को आपने रविशंकर पाठक को किया था, तो यहां पर मैंने रविशंकर पाठक का चैट ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको थ्री डॉट का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जो आपको सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको बैंक अकाउंट का नाम सर्च करना है या बैंक अकाउंट नंबर सर्च करना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम सर्च करना है, तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जो आपने मैसेज किया था, जिस मैसेज को आप सर्च करना चाहते हैं, उस मैसेज को आपको सर्च करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं बैंक, तो यहाँ पर मैं बैंक लिख करके अब सर्च करूँगा, यहाँ से सर्च करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक हाइलाइटेड दिख रहा है, यानी कि आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आप किसी भी मैसेज को एक सेकेंड में सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपको पता था कि आपने उस मैसेज को रविशंकर पाठक को सेंड किया था, तो आपने रविशंकर पाठक का चैट ओपन करके उस मैसेज को सर्च कर लिया। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के साथ चैट किया है और आपको नहीं पता है कि आपने उस मैसेज को किसको सेंड किया था, आपने उस फोटो को किसको सेंड किया था, आपने उस वीडियो को किसको सेंड किया था, आपने अपना अकाउंट नंबर किसको सेंड किया था, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जैसे मुझे अभी फाइंड करना है कि मेरा अकाउंट नंबर कितना है, मैंने अभी अभी किसी को सेंड किया था और मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने एक साल पहले सेंड किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने दो महीने पहले सेंड किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे जरूरत है उस अकाउंट नंबर का, तो यहां पर देखिए आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है, होम स्क्रीन पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर जैसे मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड लिख करके मैं सर्च करता हूं, तो ये रहा एक्स वाई जेड। अब इस पर क्लिक करके मैं देख सकता हूं, अभी देखिए यहां पर आ गया हाइलाइटेड एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं किसी भी मैसेज को आप एक क्लिक में फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप फोटो को फाइंड करना चाहते हैं या फिर किसी वीडियो को फाइंड करना चाहते हैं या फिर किसी यूआरएल को फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर आपने फोटो के साथ कुछ लिख करके सेंड किया होगा, तो अगर आप उस टेक्स्ट को लिख करके फाइंड करते हैं, तो आप उस फोटो को फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये फोटो है, मैंने व्हाट्सअप ट्रिक के नाम से इसे सेंड किया था, तो अगर मैं व्हाट्सअप ट्रिक लिख करके सर्च करूंगा, तो इस फोटो को फाइंड कर सकता हूं। इसी तरह से आप यूआरएल को भी कर सकते हैं, वीडियो को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और इससे आपका टाइम भी बचेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।